पाकिस्तान की राजनीति से इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां इमरान 7 दिन में दे सकते हैं इस्तीफा, मतलब इसी हफ्ते। पहले बहस की शुरुआत होगी 31 मार्च से, तो सदन में बहस ही होनी है। और इसी बीच ये खबर है कि शहबाज शरीफ के पीएम बनने की अटकलें तेज हो चुकी है। शहबाज शरीफ ही वो चेहरा है जिन्होंने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, और इन्हीं के नाम पर ऐसा लगता है कि मुहर लगेगी। जो विपक्षी खेमा एकजुट हुआ है वो शहबाज शरीफ के नाम पर एकमत हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासी हलचल से हम आपको वक्त वक्त पे रूबरू करवा रहे हैं, और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि इसी हफ्ते इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प ऐसा नहीं बचा है जिससे कि वो अपनी सरकार बचा सके, अपनी कुर्सी बचा सके, वो तख्ता पलट होने से रोक सके। लेकिन इस बीच जो पाकिस्तान के गलियारे से, सियासी गलियारे से खबर मिल रही है वो ये कि इमरान खान अभी भी चुनिंदा लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे नेताओं से, ऐसे हुक्मरानों से मुलाकात कर रहे हैं जिनसे मुलाकात करने के जरिए एक रास्ता वो तैयार कर सके और पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी बच सके। लेकिन ये फिलहाल नामुमकिन लग रहा है, लेकिन अभी वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन के जरिए विपक्षी चेहरों को, और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फौज को भी, ये विदेशी ताकतों के जरिए वो चिता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों का इस्तेमाल हुआ है हमें कुर्सी से हटाने में, हमें कुर्सी से बेदखल करने में। ये जलसे की तस्वीरें हम आपको कल की दिखा रहे हैं।